बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर टू जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मोल। मोल क्या होता है, सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा बेटे, मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल? वेल, एटॉमिक मासेस, यहां पर बेटा हम तीन चीजों का जिक्र करेंगे। एक हमारे पास है एटॉमिक मासेस, ठीक है। एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर मासेस, और एक हमारे पास है फार्मूला मासेस। इन तीनों में सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, जिसको हम आम जुबान में रिलेटिव एटॉमिक मास भी हम कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का वो वजन होता है जिसको कंपेयर किया जाए विद द कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 12, ठीक है। सो हमारे पास उसके साथ जब कंपेयर किया जाए और एक एटम का जो वजन आता है तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। बेटा यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख दिए, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, सोडियम का एटॉमिक मास 23, कैलोरीन का एटॉमिक मास 35.5, सल्फर का एटॉमिक मास 32। अब इन एटॉमिक मासेस को हम किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में, ठीक है। किस तरह? यस सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, सो अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कितने के बराबर होगा? ये बेटा 1 मोल के बराबर होगा। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये 1 मोल के बराबर है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ये 1 मोल के बराबर है, इसी तरीके से 23 ग्राम ऑफ सोडियम ये 1 मोल के बराबर है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन ये 1 मोल के बराबर है, और इसी तरीके से 32 ग्राम ऑफ सल्फर ये भी 1 मोल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये उसके एटॉमिक मासेस है। और जब एटॉमिक मासेस को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कहते हैं मोल। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ, जिस तरह हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से बड़े छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। अपनी लैंग्वेज में वो एक दूसरे को आसानी के साथ समझ सकते हैं।
और एक दूसरे की बात को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने मोल का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो एक दूसरे को आसानी के साथ समझ सके। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर चाइनीज वाले को पश्तो समझ में नहीं आती सही तरीके से, ठीक है, जिसने कोर्स किया हो तो सही है, तो इसी तरीके से पश्तो वालों को चाइनीज समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसी तरीके से मोल का कंसेप्ट उन्होंने इसी वजह से पेश किया ताकि वो केमिस्ट एक दूसरे के लैंग्वेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो सेम है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मासेस की तरफ। मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये मॉलिक्यूल है एटम नहीं है, तो इसका जो मास होगा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। H2O जो है 18 ग्राम के बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बराबर है, ग्लूकोज जो है 180 ग्राम के बराबर है, सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम के बराबर है, ये कितने मोल्स के बराबर है? ये सब 1 मोल के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास है, और ऊपर हमने डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं या फार्मूला मासेस होते हैं, अब इन सब्सटेंस इज एक्सप्रेस, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं मोल, यानी ग्राम में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं फार्मूला मासेस। अब यह फार्मूला मासेस क्या है? अब मेरे पास इसमें क्या है? बड़ा इसमें आयंस है, इसमें एटम्स नहीं है, इसमें आयंस है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसका जो मास होता है इस मास को हम कहते हैं फार्मूला मासेस, यानी आयंस का जो मास होता है इसको हम कहते हैं फार्मूला मासेस। ये कितने मोल्स के बराबर है? ये भी 1 मोल के बराबर है। सो सेम के तौर पर एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला मासेस ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस यहां पर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सोडियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, H2O भी है, ग्लूकोज भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, ये एनी सब्सटेंस हुआ। ठीक है, अब एनी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज कॉल्ड मोल। इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? सिंपली मोल कहते हैं। प्लीज इसको नोट कर दीजिए।